लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपका ब्यूटीफुल देश देखकर हम बहुत खुश हो गया है। यह सिर्फ हमारा ख्याल नहीं, हमारा पोर्चुगल गवर्नमेंट का ख्याल है। थैंक यू वेरी मच। आपने हमारा जो शानदार रिसेप्शन किया, सिर्फ हमारा ना है, सारा पोर्चुगल का इज्जत है। इस दृष्टि को मजबूत बनाने के वास्ते हमारा देश को आपका देश का मदद का जरूरत है। हम आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना अपने लिए बायस इज्जत। वेरी गुड वेरी। आप अपने रियासत के अंदर हमारा देश को एक मिलिट्री बेस बनाने के लिए थोड़ा सा जमीन देगा तो हमारा गवर्नमेंट आपका बसंतपुर को एक आजाद देश और खुद मुख्तार मानने को तैयार होगा। लेकिन हमें इस बात का शक है कि हमारी रियाया हिंदुस्तान से मिल जाना चाहती है और बसंतपुर को हिंदुस्तान का एक इलाका मानने को तैयार हो रही है। ओह नो, आपका जैसा अकलमंद और वाइज दीवान होते हुए ऐसा नहीं होना मांगता है। अगर आप हमारा ये काम करेगा, आपका महाराजा से हमारा गवर्नमेंट का एग्रीमेंट करेगा तो हमारा गवर्नमेंट आपका राजा खत्म करके आपको महाराजा बनाएगा। थैंक यू लेकिन इस काम के लिए मुझे 6 महीने की मोहलत चाहिए। ओके ओके, पोर्चुगल बसंतपुर, बाय बाय। लोगों ने हुकूमत के खिलाफ साजिश की है और जनता को बगावत पर उकसाया। बोलो, इसका तुम्हारे पास क्या जवाब है? हमें माफी दीजिए। और तुम लोगों का क्या जवाब? हम माफी नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे। ले जाओ इन्हें, फौरन फांसी के तख्ते पर रख डालो। खड़े हो जाओ। क्योंकि तुम लोगों ने माफी मांग ली है इसलिए हम तुम्हें जान बचाने का एक मौका देते हैं। जो भी हमारी बंदूक की गोली से बचकर निकल जाएगा उसकी जान बख्श दी जाएगी। एक एक करके भागो भागो। अब तुम भागो। Come.
की संतान संतान अगर पिता से सहमत है या अपना अधिकार मांगती है तो इसका यह मतलब नहीं कि संतान को जेल की कोठरी में बंद कर दिया जाए, उस पर जुल्म और सितम ढाया जाए। इतिहास इस बात का सबूत कि तोपों के मुंह खोल देने से इंकलाब कभी नहीं गवाया। महाराज आपसे जनता की विनती कि जनता पर जुल्म ढाने से पहले आप अपनी रियासत का बंदोबस्त सुधारिए, बेइंसाफी का सर कुचल कर इंसाफ की स्थापना की। हम इस वक्त बहुत उलझन में हैं, बहुत उलझन में हैं। मगर ये मत सोचो कि तुम्हारी आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंचती या कि जनता के जरूरतों को हम नहीं समझते। मगर क्या करें, अभी इन उलझनों को सुलझाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। रास्ता है और सिर्फ एक ही रास्ता। सारी बात साफ साफ कहो। सबसे पहले दीवान के अधिकार छीनकर उसे इस रियासत से बाहर निकल जाने का हुक्म दीजिए। वाह वाह वाह, किस कदर आसान और मुफीद मशवरा है। महाराज मैं नहीं जानता था कि हमारी रियासत में ऐसे विद्वान भी मौजूद हैं। क्यों ना इन्हें आपकी तरफ से ऐसी उम्दा तजवीज के लिए इनाम दिया जाए। दीवान साहब। महाराज राजमहल में कुत्तों का क्या काम। ले जाओ इसे। जान बख्शी हो महाराज, मैं आपका नमकवार हूं, आपकी इज्जत और आबरू का रखवाला, इसीलिए मुझे अपने हाथ इस कुत्ते के खून से रंगने पड़े। ये तो ठीक है, लेकिन लेकिन दीवान साहब। मैं जानता हूं आप क्या कहना चाहते हैं। महाराज रियासत के बंदोबस्त में प्रजा का तख्त आपके ताज और तख्त की तौहीन है। हुकूमत और सियासत दो अलग अलग चीजें हैं। अगर कोई आदमी हुकूमत में नुक्स निकाले तो उस नुक्स को दूर कर देना चाहिए, लेकिन अगर कोई आदमी हुकूमत को सियासत सिखाए तो उस आदमी को खत्म कर देना चाहिए। दीवान साहब देश में हर तरफ बेचैनी फैली हुई है। घबराने की कोई बात नहीं महाराज, ये बेचैनी तो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। हमें तो सिर्फ ये सोचना चाहिए कि अब हमें क्या करना है। हमें क्या करना चाहिए दीवान साहब? महाराज अगर आप मेरी बात माने तो हमें अपने पड़ोसी मुल्क से वाहिदा कर लेना चाहिए। अगर इतना बड़ा मुल्क हमारी मदद पर हो तो हमारी छोटी सी बसंतपुर रियासत एक खुद मुख्तार मुल्क बन जाएगा। अच्छा तो इस मदद के एवज में हमें क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी? कुछ नहीं महाराज, सिर्फ उनको मिलिट्री बेस बनाने के लिए हमें अपनी धरती का छोटा सा टुकड़ा देना पड़ेगा। दीवान साहब हमारे पड़ोस में एक और भी तो बड़ा मुल्क है, हमारी रियासत की बेहतरी के लिए क्या हम हिंदुस्तान को खतरे में नहीं डालेंगे? हमें क्या पड़ी है जो हम पराये गम में दुबले हों, हमें तो अपने घर से सरोकार है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आज ही शर्तनामा तैयार कर दूं। मेरी बात मानिए दीवान साहब, इस वक्त जबकि जनता का खून खौल रहा है जल्दबाजी से काम मत लीजिए। महाराज जनता क्या चीज होगी, वो तो एक मोम का पुतला है, हम किसी शक्ल में भी उसे ढाल सकते हैं। इस वक्त तो आपको अपनी बेहतरी के लिए सोचना चाहिए, जनता को खुश करते करते कहीं आप अपना तख्त ताज न खो बैठे। महाराज अधिराज स्विट्जरलैंड से राजकुमारी का फोन। चित्रलेखा का? हेलो हेलो बेटी। दादी हाँ मैं बोल रही हूँ। अच्छी हो, आपका आशीर्वाद है। आप कैसे हैं? आहा, अच्छा आप सुखचैन से कैसे सो सकते हैं? जिसके सर पर ताज होता है उसकी जिम्मेदारियां भी तो होती हैं। आहा, डैडी प्रजा के साथ साथ आप अपना भी ख्याल रखा कीजिए। अच्छा 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 हाँ डैडी मैं हॉलिडे के लिए लंदन जा रही हूँ, एक हफ्ते के बाद स्विट्जरलैंड वापस चली आऊंगी। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा ओके बाय बाय। सुनो कल हम लंदन जा रहे हैं, मेरे सिर्फ सादे लिबास साथ ले आना।
Bharat, son of Inspector General of Police in the state of Vasantpur in India. Vasantpur ka rehne wala? Aha. Kya naujawan hai. Ye hamare mulk ki shaan hai. जो इस साल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया? हाँ, अरे आजकल तो क्या शान है इसकी, सारे इंग्लैंड में इसी का चर्चा है। क्यों ना हो, हर किसी का ये नसीब नहीं होता। तुम लोग कोई टेबल सेलेक्ट करो, मैं अभी उसे मुबारकबाद देकर आती हूँ। जल्दी आना, वहीं ना बैठ जाना, सिर्फ अक्ल ही नहीं शक्ल का भी खूबसूरत है। शट अप। हेलो मिस्टर भारत। हेलो, आप मुझे जानते हैं? आप ही तो है ना जो इस बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आए? जी हाँ, मगर आप कैसे जानते? लीजिए, कौन नहीं जानता, हर अखबार में आपकी तस्वीर आपकी खबरें छप चुकी हैं, और आपकी कामयाबी मेरे लिए तो खासकर बड़े गौरव की बात है। जी, वो क्यों? मैं भी बसंतपुर की रहने वाली हूँ। अच्छा? हाँ। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आपका नाम? ज्वाला। मेरे पिताजी वहाँ ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं। प्लीज आइए ना, हमारे साथ खाना खाइए। नो थैंक यू, मेरे साथ मेरी कुछ और दोस्त हैं, फिर कभी मुलाकात होगी। जी बहुत अच्छा, फिर मिले तो पहचाना ना भूलिएगा। आपने अपना नाम ज्वाला ही बताया है ना? जी। ओके, बाय बाय। बाय बाय। यस मिस्टर कैलाशनाथ। सर, भारी तादाद में लोग जुलूस बनाकर राजमहल की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वक्त जुलूस कहाँ है? सर, अभी राज बहादुर रोड तक ही पहुंचा है। आप उसे वहीं रोकने की हिदायत दीजिए। यस सर। क्विक। सर, आपका केबल। केबल? जी। ओह। भारत का केबल आया है। क्या लिखा है? उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इम्तिहान दे दिया है और फर्स्ट आया है। हमारा बच्चा फर्स्ट आया है। कितने खुश नसीब है हम। नमस्ते जी। अरे आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ से गुजर रही थी तो अचानक आपको देखा, और परदेश में किसी अपने को, मेरा मतलब है किसी अपने देश वाले को मिलकर एक अजीब सी खुशी हासिल होती है ना? जी नहीं। नहीं, मेरा मतलब है मुलाकात कभी कभी हो तो थोड़ी सी खुशी होती, और मुलाकातें अक्सर हो तो बहुत ज्यादा खुशी होती। क्या ख्याल है आपका? आपका कहना ठीक है, लेकिन ये तो चांस की बात है। देखिए, जिनके दिल में चाह होती है वो राह ढूंढ ही लेते हैं। आप खामोश क्यों हो गए? कुछ तो कहो ज्वाला। अरे, आपको अभी तक मेरा नाम याद है? जी हाँ, आपका नाम तो मुझे हमेशा के लिए याद हो चुका है। क्यों? मुझे यकीन था कि एक दिन आपसे मुलाकात जरूर हो, और मुझे आपको इस नाम से पुकारना होगा। अच्छा ये तो बताइए, आपको मेरा नाम याद है? भारत। ओ, आपको भी मेरा नाम हमेशा के लिए याद हो चुका है? मुझे भी यकीन था कि आपसे मुलाकात होगी। ये यकीन आपके दिमाग का था या आपके दिल का? वक्त हो गया, अब मैं इजाजत चाहूंगी। ज्वाला, आप नाराज हो गई क्या? जी नहीं, लेकिन आप तो कुछ अजीब सी बातें करते हैं। ओ, आई एम सॉरी, मैंने तो सिर्फ आपके दिली जज्बात जानने की कोशिश की। जान गए आप? जी नहीं, कोशिश कर रहा। तो कोशिश करते रहिए, जब आपकी कोशिश खत्म हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा सुनिए, मेरे एक सवाल का जवाब देती जाइए। पूछिए।
वादा कीजिए आप नाराज नहीं होंगी। पूछिए ना। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था कि वो क्या आपके दिल में मेरे लिए वही है जो मेरे दिल में आपके लिए है? क्या? प्यार। क्या? देखिए वादा कर चुके हैं कि आप नाराज नहीं होंगे। आप वादा कीजिए। क्या? आप मुझे आप नहीं कहेंगे। ज्वाला। भारत। बार बार मुझे वक्त याद दिला रहा था। तुम्हें तो अपना ख्याल ही नहीं, न वक्त पर खाना, न जागना, न सोना। अलार्म मैंने लगाया था बेटा। माँ, नींद, भूख, वक्त, दिन रात का सिर्फ वो लोग ख्याल रखते हैं जिनके मन में शांति हो, जिनके देश में शांति हो। माँ मुझे से टकरा के नीचे गिरा है, टूट गया। शुक्र है कि सिर्फ मैं चकाचूर हुआ, मेरा दोस्त नहीं। बस ये कोई अपशगुन तो नहीं? मेरा दिल घबरा रहा है। माँ, तू तो दिन रात मेरे लिए प्रार्थना करती रहती है। जब पल पल तेरा आशीर्वाद मेरे साथ है तो मेरा बाल भी बीका नहीं हो सकता। आनंद, क्या तुम जानते हो कि गद्दार दीवान ने एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी कमेटी को खत्म कर दिया? हाँ, ये पढ़ो। हम हर गली कूची में पोस्टर लगा देंगे। अब दीवान को पता चल जाएगा कि जिस जनता को वो भेड़ बकरी समझता है वो वक्त की जरूरत देखकर शेर भी बन सकती है। पेरिस की सबसे अनमोल यादगार आग दितराएं, ये उन जवानों की याद को हमेशा ताजा रखने के लिए बनाई गई थी जिन्होंने अपने देश की आजादी और फतेह के लिए अपनी जानें कुर्बान की। ज्वाला, आओ उन महान आत्माओं को प्रणाम करें।
माँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं? आनंद, ये क्या भेष बना रखा है बेटे? माँ, देश को बचाने के लिए न जाने अभी और कितने भेष बदलने पड़ेंगे। अगर पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले गई तो? वो मुझे जेल में बंद कर देंगे, फिर तरह तरह के जुल्म तोड़ेंगे। लेकिन माँ, दीवान को मेरे खून के हर कतरे की कीमत देनी पड़ेगी। छी, ऐसा न कहो, जहाँ तुम्हारा पसीना टपकेगा वहाँ दीवान का खून गिरेगा। ठीक है माँ, ठीक है। आनंद बेटे, पुलिस तुम्हारी छापने की मशीन, टाइप, स्याही सब कुछ उठा कर लेगी। तो क्या हुआ माँ, हम दिल के खून में उंगलियां डुबो कर पोस्टर लिख सकते हैं। अच्छा माँ, मैं जाता हूँ। आनंद, भारत का खत आया है, वो तो लेते जाओ। भारत का खत? भारत, आ जाओ, आ जाओ भारत, आज मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे देश को तुम्हारी जरूरत है। से आंखें हो गई तुमसे चार इस धरती पर, जब से आंखें हो गई तुमसे चार इस धरती पर, कदम कदम पर मचल रहा है प्यार इस धरती पर, जब से आंखें हो गई तुमसे चार इस धरती पर। जब देखूं रूप तुम्हारा याद वतन की आए, जब जब देखूं रूप तुम्हारा याद वतन की आए, जैसे मेरा एक तारे पे गीत शाम के गाए, जैसे मेरा एक तारे पे गीत शाम के गाए, अमर प्यार के छेड़े तुमने तार इस धरती पर, अमर प्यार के छेड़े तुमने तार इस धरती पर, जब से आंखें हो गई तुमसे चार इस धरती पर। कर तुम इन बाहों में आ जाती हो ऐसे, लहरा कर तुम इन बाहों में आ जाती हो ऐसे, बहती बहती नदियां सागर से मिल जाए जैसे, बहती बहती नदियां सागर से मिल जाए जैसे, कहां से आई ये गंगा की धार इस धरती पर, कहां से आई ये गंगा की धार इस धरती पर, जब से आंखें हो गई तुमसे चार इस धरती पर। झुकी ये लंबी पलके ये जुल्फों की छांव, झुकी झुकी ये लंबी पलके ये जुल्फों की छांव, पता हुआ है इस छांव में
लगाऊं, बन जाओ अब मेरे गले का हार इस धरती पर, बन जाओ अब मेरे गले का हार इस धरती पर। जब से आंखें हो गई तुमसे चार इस धरती पर, कदम कदम पर मचल रहा है प्यार इस धरती पर। महाराज, अगर मैं दिन को रात कहने वाला होता तो इस ओहदे पर नहीं पहुंचता। मैंने हमेशा आपकी छाया तले सच्चाई का साथ दिया, इसमें प्रजा का क्या दोष? प्रजा की नजरों में मैं अजनबी, लेकिन अगर आप चाहें तो यह फासला दूर हो सकता है। वो किस तरह? छोटा मुंह बड़ी बात है महाराज, आप मुझे अपने खानदान में शामिल कर सकते हैं। वो कैसे? अगर आप राजकुमारी का हाथ मेरे हाथ में दे दें दीवान साहब, तो फिर बसंतपुर की प्रजा भी मुझे उसी नजर से देखेगी जिस नजर से आप मुझे नवाजते हैं महाराज। क्या मतलब? आप हमारे दामाद बनना चाहते हैं? आपकी रगों में शाही खून कहां? हमें ये तजवीज हरगज मंजूर नहीं। महाराज शांति से काम लीजिए, ये मत भूलिए कि मैंने सारी प्रजा को अपना दुश्मन बना रखा है। किसी सिर्फ आपकी रियासत की हिफाजत के लिए। मैं आपका मंत्री नहीं, आपका दरबान। मेरी तो सिर्फ एक ही इच्छा है, एक ही तमन्ना है कि आज की बदलती हुई दुनिया में बसंतपुर रियासत की बुनियादें किस तरह मजबूत की जाएं। मैं चाहता हूं कि बसंतपुर का इलाका फैलते फैलते एक दिन सारे हिंदुस्तान की विशाल धरती को अपने अंदर समो ले। ये सब कुछ उसी वक्त हो सकता है जब आप मुझे अपने खानदान में शामिल कर लें, प्रजा मुझे अपना समझने लगे। महाराज वो दिन गए जब लोग राजाओं के घर में पैदा होते थे और राजा मरते थे। मैं चाहता हूं कि बसंतपुर का इतिहास हमेशा जिंदा रहे, सिर्फ आप पर ही खत्म ना हो। पर राजकुमारी, राजकुमारी की रजामंदी भी तो होनी चाहिए। बेशक बेशक, मैं आज ही अपनी हुकूमत का प्लेन भेजकर राजकुमारी को स्विट्जरलैंड से वापस बुलवा लेता हूं। मगर अगर हम उसे इस तरह से यकायक वापस बुला लेंगे तो राजकुमारी कारण जरूर पूछेंगी। महाराज आप तो ये संदेशा भेज दीजिए कि रियासत में सियासी बेचैनी की वजह से राजकुमारी का वापस आना जरूरी है, बाकी मैं संभालूं। क्या मुझे फौरन वापस आना चाहिए? पॉलिटिकल रीजन? डैडी पॉलिटिक्स से मेरा क्या संबंध? ओह अच्छा, आप कहते हैं तो मैं फौरन चली आऊंगी। हाँ आप हमारा हवाई जहाज भेज रहे हैं? कब? बुधवार को। अच्छी बात है, जैसे आपकी आज्ञा। अच्छा डैडी नमस्ते। हेलो, यस ज्वाला, मैं भारत बोल रहा हूँ। भारत? हाँ। तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी। क्या बात है कहो। फोन पर नहीं बता सकता, तुम शाम को हिल टॉप रेस्टोरेंट पे मिलो, आओगी ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है? जिस वक्त चाहो जहाँ चाहो मैं हाजिर हूँ। हाँ हाँ, यस यस श्योर। बाय बाय। ओके बाय बाय। ये खड़े रहने की सजा कब तक? ओ ज्वाला तुम, माफ करना मैंने तुम्हें देखा ही। देखते भी कैसे, इस खत से फुर्सत मिलती तब ना। किसकी चिट्ठी है ये? चिट्ठी मेरे दोस्त आनंद की है जो हमेशा हमारे देश के समाचार मुझे भेजता रहता है। उसने लिखा है कि हमारा देश जो न्याय और शांति की धरती कहलाता था, आज वहां का नक्शा दीवान की गुस्ताखियों से बदलता जा रहा है। लेकिन हमारे महाराष्ट्र न्यायकारी हैं। महाराज तो अब सिर्फ नाम के महाराज हैं, जो दीवान के हाथों कठपुतली की तरह नाचते रहते हैं। क्या कह रहे हो भारत, मुझे विश्वास नहीं आ रहा। काश ये बात झूठ होती, मगर तुम नहीं जानती ज्वाला, देशद्रोही दीवान हमारे बसंतपुर की पवित्र धरती को विदेशियों के आगे गिरवी रखने लगा है। और मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया है, उसने लिखा है इस वक्त हमारे देश को हम सबकी जरूरत है। तो तुमने क्या फैसला किया? फैसला क्या,
माँ की ललकार पे बेटे को जाना ही पड़ेगा। बेशक, तुम कब जा रहे हो? सबसे पहले जिस जहाज में टिकट मिल जाए। चिंता मत करो भारत, तुम्हारे जाने का इंतजाम मैं किए देती हूँ। तुम? वो कैसे? शायद तुम जानते नहीं, बसंतपुर की राजकुमारी भी यही तालीम हासिल कर रही है। अच्छा? हाँ, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। कल वो अपने खास जहाज से बसंतपुर जा रही है, मैं उसी जहाज से तुम्हारे जाने का बंदोबस्त किए देती हूँ। क्या ये हो सकता है ज्वाला? क्यों नहीं, तुम भी साथ क्यों नहीं चलती? मैं जरूर चलती, मगर मुझे एक जरूरी काम से लंदन जाना है। चंद दिनों बाद मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। सच? वादा करती हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सर, स्विट्जरलैंड से आपका टेबल। स्विट्जरलैंड से? जरूर मेरे भारत का होगा। सर जल्दी से पढ़िए। जानकी, भारत भी राजकुमारी वाले प्लेन पे आ रहा है। भारत कब आ रहा है? ज्वाला, अरे तुम आ गए भारत? प्रिंसेस आ गई क्या? बस आती ही होंगी। फ्लाइट तैयार है योर हाइनेस। अच्छा, योर हाइनेस। चलो भारत। तुम प्रिंसेस हो? हाँ। तो फिर आज तक तुमने बताया क्यों नहीं, झूठ क्यों बोला? जब मैं पहली बार तुम्हें लंदन में मिली, मैंने अच्छा नहीं समझा कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं प्रिंसेस हूँ। खामखा बड़ापन दिखाने की बात हो जाती है। अगर उसके बाद भी कभी तुमने नहीं कहा कि तुम कौन हो? कहते हैं एक झूठ छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं, पर आप जो सच बोलना पड़ा। झूठ जो पकड़ा गया भाई, मेरे झूठ का तुमने बुरा तो नहीं माना ना? जान मेरे, ऐसा खूबसूरत झूठ जो मुझे तुम्हारे और करीब ले आए, तुम बार बार बोल सकते हो। तुम कितने अच्छे हो। चलो आओ। राजकुमारी जी का अपार्टमेंट है, आप इधर बैठिए। थैंक हाइनेस। हम कितनी देर में बसंतपुर पहुंचेंगे? 6 घंटे बाद। इतना शानदार स्वागत होगा आपका कि आप हैरान रह जाएंगी। ऐसा क्यों? क्या पिताजी खुद एयरपोर्ट पर आ रहे हैं? यस, उनके साथ रियासत के होने वाले हुक्मरान भी होंगे। होने वाले हुक्मरान? क्या कह रहे हैं आप? कौन है होने वाला हुक्मरान? आपके होने वाले पति दीवान साहब। क्या बक रहे हैं आप? मैं नहीं बक रहा राजकुमारी जी, ये महाराज का फैसला है। ये सब गलत है, ये सब झूठ है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कैप्टन से कहिए जहाज को वापस स्विट्जरलैंड ले जाए, हम अभी बसंतपुर नहीं जाएंगे। राजकुमारी जी, ये हमारा हुक्म है। आई एम सॉरी योर हाइनेस। बकवास मत करो, कैप्टन को बुलाओ। आई एम वेरी सॉरी योर हाइनेस। शट अप कैप्टन। राजकुमारी, तुम्हारी ये मजाक। एडीसी, क्या कर रहे हैं आप? Ah!
हेलो, इत्तला मिली है कि जिस हवाई जहाज से राजकुमारी आ रही थी वो समंदर में गिर पड़ा और जो भी उस जहाज से सफर कर रहे थे उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच सका। सरकारी हुक्म है कि इस अफसोसनाक हादसे की खबर लोगों तक पहुंचा दें। जी हाँ, यस। सब कुछ लुट गया हमारा, सब कुछ लुट गया। महाराज, वक्त ही इसका इलाज है। महाराज का दिल भरा हुआ है, आप सब लोग जा सकते हैं। कहाँ गया है मेरा बच्चा? कहाँ गया है मेरा बच्चा? वो डगर पर चला गया है जानकी, यहां से कोई वापसी नहीं। अब तो जिंदगी भर तुम मुझे तसल्लियां देती रहोगी और मैं तुम्हारा धीरज बनाता रहूं। अंधे की लाठी टूट गई है जान। What happened? Who are they? They float sea water. No bridge. This bar see him. We back. It must have been an accident. Yeah. Bring it. Shagala, shagala. Shagala, shagala. Perhaps you better go get the same injection for her. कौन सी जगह है? आप कौन हैं? Who are you? Relax, my friend. I'm the doctor here. You're in safe hands. Doctor, where is Jwala? Where is Jwala, doctor? She's there. She's out of danger. She's fine. Continue the fomentation. Jwala? Calm yourself, my friend. Relax. You need rest. Slowly, slowly. How are you feeling now? Much better, doctor. Thank you. Sit down and have some tea with us. ज्वाला, समुद्र की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे। और मैं ये कह रही हूँ, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती, नया घर दिया है। हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके। ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। तुम उस समय में दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता। तो फिर एक वादा करो। मेरी जान मांग लो, जान मेरी। सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए। ज्वाला, ये मेरा वादा है। ज्वाला, ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल मेरा तुमको पाने।
मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल मेरा, तुमको पाने का इरादा है। ये मौसम भीगा भीगा है, इजाजत हो तो मेरे सरकार के पहलू में आ जाऊं, इजाजत हो तो मेरे दिलदार के दिल में समा जाऊं। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल मेरा, ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल मेरा, तुमको पाने का इरादा है। ये मौसम भीगा भीगा है, शर्म को छोड़ दो मेरे जाना, गले से तुम भी मिल जाओ, ये पर्दा तोड़ दो मेरे जाना, मेरी सांसों में घुल जाओ। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल मेरा, तुम ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल मेरा, तुमको पाने का इरादा है। ये मौसम भीगा भीगा है। थैंक यू वेरी मच मैडम। बाय बॉन बॉय। थैंक यू। Thank you, doctor. Good job. God bless you. That Thank boat will take you safely home. Please get me to Thank you home. Very much. Have a good journey. Thank God you. God bless you. Goodbye. आनंद कहाँ है? अरे अरे, तुम भारत तो नहीं? हाँ, मैं भारत ही तो हूँ। भारत कैसे मर सकता है? आनंद, तुम जैसे दोस्तों की दुआएं साथ हो तो भारत कभी नहीं मर सकता। आप कौन है? आनंद, ये एक मजबूर लड़की है, इसकी कहानी मैं तुम्हें फिर कभी सुनाऊंगा। इस वक्त से मैं तुम्हारी शरण लेकर आया हूं, कुछ दिनों के लिए इसे अपने घर में ठिकाना कर लेते हो। ये तुम्हारा ही घर बेटा, हम इसे अपने बनाकर रखेंगे। भारत, पहले सीधा घर जाओ, तुम्हें जिंदा देखकर
तुम्हारे माँ बाप को एक नई जिंदगी मिल जाएगी। जाओ। अच्छा ज्वाला, मैं फिर आऊंगा। ओम राम महाराज। आओ आओ बेटा भारत आओ, तुम्हारे पुनर्जन्म के लिए हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। तुम्हारे सही सलामत वापस आने पर तुम्हारे पिता की तरह हमारी आत्मा भी खुशी से झूम उठी। धन्य है महाराज, जिस तरह हजूर ने अपने गम और दुख को भुलाकर इस नाची की खुशी को अपनाया है, मैं आपके चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाता हूँ। भारत, तुम्हारा ऐसे खतरनाक एक्सीडेंट से बच जाना तो वाकई एक मौजज़ा है। जी न जाने यकायक हवाई जहाज की मशीन में क्या खराबी पैदा हो गई कि पलक झपकते में वो समुद्र में गिर पड़ा। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। जब होश आया तो मैंने अपने आप एक जजीरे पर पाया। वहां के लोगों ने मुझे समुद्र किनारे से उठाकर बड़े प्यार और खुलूस से मेरा इलाज किया और फिर एक छोटी सी किश्ती में मुझे यहां भी भिजवा दिया। महाराज, यहां आने के बाद ही मुझे राजकुमारी के बारे में बस भारत बस। और हमें याद मत दिलाओ। मैं माफी चाहता हूं महाराज। इतने बड़े एक्सीडेंट में तुम्हारे जिस्म पर एक खराश तक नहीं है? भारत, तुमने जरूर पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे। शुक्रिया दीवान जी। उस हादसे की यादगार मेरे जिस्म पर बस एक निशान रह गया है। भारत, हमारा कल का मोर्चा अहिंसा का आखिरी मोर्चा होगा। मैं भी यही सोच रहा हूं। अगर अहिंसा कहीं मात खा गई तो हमें अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। मेरे आते चुप क्यों हो गए? क्या मैं आप लोगों की बातें नहीं सुन सकती? ये पॉलिटिक्स है। हम औरतें भी पॉलिटिक्स समझती। ज्वाला, लड़की नाजुक होती। ये किसी शायर का ख्याल है। लेकिन लड़कियां इनकलाब की जद्दोजहद में हिस्सा नहीं ले सकती। लेकिन आप इतिहास क्यों भूल रहे हैं? जान बीबी एक औरत थी, झांसी की रानी भी एक नारी थी। ओह, मगर मेम साहब वो कल की बात थी, हम आज की बात कर रहे हैं। हाँ, तभी तो आजकल के नौजवानों के हाथों में तीर तलवार की जगह ब्रश पकड़े हुए हैं। भारत, ज्वाला भड़की, मेरा ख्याल है ये हमसे भी दो कदम आगे है। हो सकता है भैया, आखिर एक सिपाही की बेटी है। अनंत, बात फैल चुकी है। कितने ही नौजवान सर धड़कीबाजी लगाकर मोर्चे में शामिल होने के लिए मचल रहे। मोर्चा हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। ये बात है तो फिर दीवान और महाराज को जनता की आवाज के सामने सर झुकाना पड़ेगा। महाराज, जनता राजमहल के दरवाजे पर उमड़ पड़ी है, लोग आपसे मिलना चाहते हैं। रुकिए महाराज, पागल हुजूम के सामने जाना खतरे से खाली नहीं है। आपकी जगह मैं उनका सामना करूंगा। लेकिन दीवान साहब, आप हमें रोक रहे हैं। यही तो एक मौका है जबकि हम जान सकते हैं कि प्रजा क्या चाहती है, क्या उनकी शिकायतें हैं। गुस्ताखी माफ अंदाजा, आपकी जान की हिफाजत मेरे जिम्मे है। भड़की हुई प्रजा के सामने मैं आपको नहीं जाने दूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए। ईमान हमारी धरती माँ की इज्जत बेचना चाहता है। हमारी पुकार। सिपाहियों, देख क्या रहे हो, इन कुत्तों को बाहर निकाल दो। दुनिया की कोई ताकत हमें यहाँ से नहीं ला सकती। हमारी ताकत को तुम नहीं जानते। और ताकत नहीं दीवान, पागल पल है। देशभक्तों पर लाठियां बरसाना, उन पर गोलियां चलाना, तुम हत्या हो। हत्या
नहीं मिलेंगे, हम नहीं जाएंगे। महाराज से तुम नहीं मिल सकते, तुम हवा का रुख नहीं बदल सकते। दीवान देखे जाए बाहर में कुछ हो जाए। दोस्तों आगे बढ़ो। इंकलाब की चिंगारी है, इंकलाब बन जाएगी और वो तुम्हें चलो माँ जी। तो खून है माँ, रंग बाद में लाएगा। क्या हुआ है तुझे मेरे बच्चे? माँ माँ हम महाराज से इंसाफ मांगने गए थे, अपने लिए नहीं अपनी धरती माँ के, जिसे जिसे विदेशी लोगों के हाथों नीलाम किया जा रहा है, मगर महाराज के खुद गर्ज और संग दिल दीवान ने प्रजा के मुंह दनदनाते ही गोलियों से बंद कर दिए। और माँ मैंने अपनी आंखों से देखा तो जब मेरे दोस्त ने अपनी रूह की गहराइयों से अपनी धरती के लिए इंसाफ मांगा तो उसे हमेशा के लिए उसी धरती पर सुला दिया गया। हाँ माँ। क्या महाराज दीवान साहब पर सत्य से रोक नहीं सकते थे? वो क्या रोकेंगे माँ, लेकिन प्रजा रोक सकती है, मैं रोक सकता हूँ, तेरा बेटा रोक सकता है माँ। मैंने प्रतिज्ञा की कि इस जुल्म और सितम की अर्थी को अपने कंधों पर उठाऊंगा, बेइंसाफी की कब्र मेरे हाथों से खोदी जाएगी। माँ मुझे आशीर्वाद दो, मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। भारत भारत बेटा देखो इस वक्त तुम जोश में हो, अपने पिताजी को आने दो, ठंडे दिल से बात करोगे ना तो वो तुम्हें समझा देंगे। माँ जब कोई बागी बगावत का झंडा उठाता है उसे किसी के मशवरे की जरूरत नहीं रहती। क्षमा करना माँ मैं जाता हूँ। भारत सुनो तो बेटा, भारत मेरा ख्याल है आज राजमहल के सामने बगावत में तुमने भी हिस्सा लिया था। बहुत कम पिताजी, आपके बेटे के तो सिर्फ कपड़े रंगे गए, मगर आपकी गवर्नमेंट और उसके कर्मचारियों के खिलाफ आवाज उठाने वालों के खून से धरती लाल हो गई है। भारत मैं तुम्हारी भावनाओं की तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ। मुँह जबानी कदर कर्तव्य से होनी चाहिए पिताजी। जी हाँ, आप इस गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर जनरल हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं आप क्यों भड़की हैं। आपकी गवर्नमेंट के दीवान ने महाराज को वरगलाकर अपने फायदे के लिए इस धरती को गैरों के हाथ बेचने का मंसूबा बांधा है। दीवान देशद्रोही है पिताजी, अगर आप में हिम्मत है तो जाइए उसे इसी वक्त गिरफ्तार कर लीजिए, वरना उतार फेंकिए ये वर्दी। वो वर्दी किस काम की पिताजी जो माँ के कफन को बेचकर बनाई जाए। बगावत आग इनकलाब क्या फायदा इस नारेबाजी का, मत भूलो ये बातें कानून के खिलाफ हैं। पिताजी जो कानून एक देशद्रोही की हमायत करता है वो बदल दिया जाएगा। जुल्म कूड़ा प्रकट होता है और बगावत जिसकी बुनियाद इंसाफ पे रखी गई हो वो बरसात बरसात अपने आप कूड़ा ककट भाग ले जाएगी।
भारत, क्या एक बेटा अपने बाप के सामने ऐसे बोल सकता है? मां, मैं पिताजी से तो कुछ नहीं कह रहा, मैं तो इस गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर जनरल से बात कर रहा हूं। ओके सर। आप खुद की तरह क्या खड़े हैं, रोक ही रहे उसे। जानकी, तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारा बेटा पागल नहीं है, दिमाग रखता है, कुछ सोच सकता है। खून का बदला खून, यही हमारा नारा है और यही हमारा वादा है। दीवान अपने मतलब के लिए हमारा घर, हमारी धरती, हमारी माँ को गारों के हाथों बेच नहीं सकता। मान तो क्या, ऐसा भगवान भी नहीं कर सकता। भाइयों, अपनी धरती माँ की रक्षा के लिए एक राक्षस का खात्मा करना, यही हमारा धर्म है, यही हमारा जीने का मकसद है। जालिम दीवान ने हमारे आनंद को हमसे छीन लिया, मगर बेवकूफ ये भूल गया इस धरती का हर एक बच्चा आनंद है। ये भूल गया कि मारने वाले से बचाने वाले के हाथ ज्यादा लंबे होते हैं। दोस्तों, भाइयों, आओ याद करें अपने शहीद आनंद को, कदम उठाएं उसके खून की, कि जब तक राक्षस दीवान और उसके विदेशी साथियों का खात्मा नहीं कर लेते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये तो दीवान का जहाज है। मौत सब तुम्हारे साथ है भारत। आओ मेरे साथ। Thank you.
चाहे मेरी नहीं, चाहे इस देश की, इस मिट्टी की, जिसने तुम जैसे वीरों को जन्म दिया है। भाइयों, आओ आज सब मिलकर इस धरती माँ की कसम खाएं कि जब तक हम देशद्रोही दीवान का खात्मा नहीं कर लेंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। सुख की नींद हमारे लिए हराम होगी। हम एक साथ रहेंगे, एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे। कसम खाओ। मैं कसम खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, मैं भी कसम खाता हूँ। तो बस अब हमें फौरन एक ऐसी खुफिया जगह की तलाश करनी चाहिए जहां दुश्मन की नजर ना पहुंच सके और हम अपनी जद्दोजहद को अपने तरीके से पूरा कर सके। भारत भैया, ऐसी एक जगह मैं जानता हूँ। कौन सी? आर्मी एरिया में नदी के किनारे एक छोटा सा रेस्टोरेंट और बार है। एन उसी के पीछे नदी के दूसरे किनारे एक पुराना खंडर है जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता, क्योंकि उसका रास्ता उसी रेस्टोरेंट के पीछे से जाता है। हाँ भैया, उस रेस्टोरेंट के मालिक को मैं जानता हूँ। तो चलो आओ ज्वाला। भारत, तो क्या लड़की भी हमारे साथ रहेगी? क्यों नहीं, क्या इस देश की नारी को देश सेवा का अधिकार नहीं? ओह, आई एम सॉरी, मुझे माफ करना बहन। आओ ज्वाला।
मालूम होता पोचाल आने वाला है। और पोचाल आने से पहले तुमने रोना शुरू कर दिया, कहीं पी तो नहीं? मैंने पी नहीं है, मुझे पिलाई गई है। वो मूछो वाला फौजी था ना, वो सारा सोडा हुक किया और सारी बिस्की जबरदस्ती मेरे गले में उड़े थी। सोचे डाले तुम एक टेबल साफ करो, मैं वो टेबल साफ करता तो पहाड़ से गंदी भी नहीं। तो यहाँ सुने आयो दिक्की, किससे बात कर रहे हो? मैंने भी नाम ही पूछा है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरे लिए नाम बताओ, कम से कम रोजी के लिए बताओ। मुझे घूर के क्या देखता हूँ, मुझे मारोगे? ये क्या बदतमीजी? चिल्लाओ नहीं रोजी, आदमी बहुत कड़क है, अपनी तो एक ही चाटे उतर गई। यहाँ बड़े कड़क आए और नरम होकर चले गए, समझते क्या थे आपको? अब ऐसा मैं भी समझ लूंगा, मुझे अकेला समझ कर डरा रहा था। मेरी डार्लिंग भी मेरे साथ है, 5-6 साल को तो कोका कोला की तरह पी जाएगी। माय गॉड, मानसिंह इन पार्टी। देखिए जानी, डाकू। सोच के रही हो, जो कुछ है उतार के दे दो। मैंने कौन से जेवर पहन रखे, जो उतार के दे दो। बहस मत करो, उतार दो उतार दो। अरे रंजीत, रंजीत फरमाइए। जानते हम लोग कौन है? देखिए मैं क्रिश्चियन हूँ, ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं जन्मपत्री नहीं देखता। क्या तुम समझ रहे हो हम वो नहीं है? ओ, आप डाकू नहीं है। मिलाओ हाथ, मिलाओ हाथ। आओ क्या से नदी के किनारे उड़तू तू खेल। उड़तू के बच्चे, हमारे पास फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है, पुलिस हमारा पीछा कर रही है। पुलिस? बड़ी मुश्किल से तो मिलिट्री गई है और अब पुलिस आ रही है। देखिए मर्द बनो, हमारी बात मान लोगे तो तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। खतरे की घंटी तो बज रही है। सुनो, हम इसके पीछे वाले खंड में रहना चाहते हैं। क्यों और किस लिए ये मत पूछना। और सुनो, याद रखो तुम्हारे सिवा किसी को हमारे ठिकाने का पता नहीं चलना चाहिए। और अगर पता चल गया तो फिर तुम दोनों की जिंदगी। सवाल मर्दाना था, ये जवाब जनाना कहते हैं। समझे कि नहीं? और तो समझ गया, एक बात और समझाइए, आप बोलता है या बोलती है? बोलती बोलती हमें खंडर का रास्ता बता। हाँ, बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ। ये है पहाड़ी नदी और वो रहे पुराने महल के खंडर। ओके बाय बाय। है क्या कह रहे? क्यों, मेरी क्या जरूरत है? वो बाद में बताऊ, परेशान था। चलो चलो नाव बैठ। दीदी डाली, तुम इनके साथ जा रहे हो? अच्छा, अगर जिंदा लौटे तो फिर मुलाकात होगी। तो रोजी तुम मेरे साथ नहीं होगी? कहो वो साथ जीने और मरने के वादे क्या हुए? मुझे क्या मालूम था कि तुम इतनी जल्दी मर जाओगे, वरना ऐसा वादा ही क्यों करते? अच्छा जिकी डाली, मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए दुआ मांगूंगी। ठहरो ठहरो, मैं परमात्मा से पूछ लेता हूँ। माय लॉर्ड, माय गुड लॉर्ड, मिस्टर लॉर्ड, मेरी सिफारिश कीजिए। क्या है? दो दिलों को मिलाना पुण्य है और जुदा करना पाप है। मुझे रोजी के साथ मिलाकर पुण्य कमाइए। तुम ठीक कहते, मैं तुम दोनों को जुदा नहीं करूंगा। रोजी, रोजी आओ आओ, तुम भी हमारे साथ आओ। मालिक, मैंने अभी इस दुनिया में देखा ही क्या है? मैं कुछ नहीं जानता। चलो ज्वाला के साथ नाव बैठ जाओ। चलो रोजी डार्लिंग, तुम जा रही हो, मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए दुआ मांगूंगा। अरे दुआ बाद में मांगना, पहले हमारे साथ आओ। चलो हमें रास्ता दिखाओ। ये रास्ता तो नहीं है, ये तो पानी है। अरे तैर कर चलो आगे आगे। मुझे तैरना नहीं आता। तुम्हें तैरना नहीं आता? शंकर, तुम ज्वाला की नाव लेकर आओ। आलीजा, ये
ये जो आजकल के महाराज है ना, ये खंडर उनके दादा के गरदादा के जमाने में बारादरी थी। यहाँ महाराज और महारानी आपस में एक दूसरे को सुलते मैना की कहानियां सुनाया करते थे, आप समझे ना। चलिए आगे चलिए, आइए। देखिए ये है वो प्यारी जगह जहाँ महारानी महाराजा के साथ बैठ के दो आने पॉइंट रमी खेलती थी। जनरल, तुम जानते हो कि बाहर से आया हुआ असला बारूद बंदूकों और मशीन गनों से लदा हुआ जहाज बंदरगाह पर खड़ा है। मुझे शक है कहीं बागी उस जहाज को उड़ा ना दे, इसलिए हम चाहते हैं कि उसके चारों तरफ मजबूत पहरा लगा दिया जाए। जैसी आपकी आज्ञा। और तुम्हारा फर्ज यह है कि उस कप्तान और जहाज के दूसरे कर्मचारियों का जी भर के स्वागत करना, कोई कमी बाकी ना रहे। यस सर। शूट, शाबाश। चंदर, शंकर, साथियों एक जबरदस्त खबर लेकर आया। इससे पहले कि जनता के जज्बात बगावत में बदल जाएं, दीवान अपनी हिफाजत के लिए विदेशियों से मदद लेकर आया है। बंदूकों, राइफलों, बमों से भरा हुआ जहाज। अच्छा। हाँ, और वो जहाज बंदरगाह में पहुंच चुका है। सारी बंदरगाह पे फौज का पहरा है। शेट, शेट। विदेशियों के सहारे हुकूमत करने से तो भीख मांगना अच्छा है। हम दीवान के इरादों को मिटा के रख देंगे। साथियों, कल वो जहाज उड़ा दिया जाएगा। सुनो, यहाँ से भला बंदरगाह कितनी दूर होगी? मैं कुछ चार छलांग करके जा रहा हूँ। वाह, क्या फासला है, मजा आ गया। क्यों, मैं तो 50 गज से ज्यादा तैर नहीं सकता। तुम सब लोग आगे जाओ, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार करता हूँ। बंदर कहीं का हम चलते हैं। नहीं सब, नहीं सब, नहीं सब, नहीं सब। बंदरगाह में बड़ा सख्त पैरा है, तुम लोग सब यहाँ ठहरो। सिर्फ मैं और चंद्र मेरे साथ जाएगा। देखो, तुम लोग यहाँ से बराबर ध्यान रखना, अच्छी तरह ख्याल रखना चाहो। आओ। Thank you.
हैं सब। तुम लोग इधर तलाश करो, बाकी मेरे साथ। ओम
आप उधर बैठिए। पंडित जी आइए आइए। ओम लक्ष्मी नारायण भ्याम नमः। ओम लक्ष्मी नारायण भ्याम नमः। आप भी बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। बागी तो कहीं भी नहीं मिले। हमारी रक्षा की है, किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं। बेटे भगवान तुम्हारे हमेशा रक्षा करे। हमारा भारत अमर। भारत की जय हो। भारत की जय हो। भारत की जय हो। नहीं बहन, ये मेरी तरफ से भेंट है, किसी दिन देश सेवा में तुम्हारे काम आएंगे। ये मेरी तरफ से मेरी तरफ से। जाओ फौरन ऐलान कर दो कि जो भी भारत को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करेगा वो हमारी तरफ से 1,00,000 रुपए का हकदार होगा। देखिए क्या लिखा। 1,00,000 रुपया। क्या खूबसूरत मजाक है। दीवान समझता है भारत की जान भी उतनी ही सस्ती है जितनी उसकी अपनी। क्या बात करती हो भाभी, ये तो अच्छी खासी कीमत है। 1,00,000 रुपए में कोई भी आदमी अमीर बन सकता है। क्या बकते हो, इससे पहले कि हमारे भारत से जरा भी यहाँ जाए हम अपना खून बहा देंगे। शाबाश मंगल, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। आसमां से जब जमी पर देखता होगा, खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा।
खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा खुदा भी आसमां से मुसव्विर खुद परेशान है कि ये तस्वीर किसकी है बनोगी जिसकी तुम ऐसी हंसी तकदीर किसकी है कभी वो जल रहा होगा कभी खुश हो रहा होगा खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा खुदा भी आसमां से जमाने भर की मस्ती को निगाहों में समेटा है गली से जिस्म को कितनी बहारों में लपेटा है हुआ तुम सा कोई पहले न कोई दूसरा होगा खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा खुदा भी आसमां से फरिश्ते भी यहाँ रातों को आकर घूमते होंगे जहाँ रख दी हो तुम पाँव जगे वो चूमते होंगे किसी के दिल पे क्या गुजरी ये वो ही जानता होगा खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा खुदा भी आसमां से एक लाख रुपया इनाम दिया जाएगा एक लाख एक लाख के पीए बोल रहे हैं हाँ मैं बागियों गड्ढे से बोल रहा हूं मैं आपको उनका पता बता सकता हूं जी हाँ आप जल्दी अपने सफाई लेकर आ जाइए लिखिए पता जल्दी कीजिए हाँ।
इससे पहले कि हमारे भारत पे जरा भी आंच आए हम अपना खून बहा देंगे। मंगल ने जो कहा वो कर दिखाया। देशभक्त कद्दार की मौत मारा गया। भूल जाओ साथियों उस कमीने का जिक्र करने की बजाय, आओ उस ताकत को खत्म करने की सोचें जो बड़े बड़े इनामों का लालच देकर ऐसे गद्दारों को जन्म देती है। भारत कोई तरीका बताओ, हम तुम्हारे इशारे पे मरने के लिए तैयार हैं। एक तरीका है दोस्तों, हम सब मिलकर ड्रामा पार्टी तैयार करें और अगर कोई दीवान को हमारे शो पे सभापति बनने के लिए तैयार कर ले तो मैं वादा करता हूं हमारा पहला शो उसकी जिंदगी का आखिरी शो होगा। मेरा ख्याल है ऐसा हो सकता है। कैसे? दीवान का एक एडीसी है खड़क सिंह, जो कभी कभी नशा करने यहां पे आता है। शराब का नहीं, रोजी की आंखों की स्कॉच का नशा। क्या मतलब? अबे ओल्ड पार, तुम शकल के भी उल्लू हो अकल के भी उल्लू हो, वो रोजी पर जान देता है। अगर रोजी एक बार उसकी आंखों में आंखें डाल ले तो वो दीवान को सभापति तो क्या किसी का भी पति बना देगा। मुझे मंजूर है, मैं कल ही उसके पास जाऊंगी। शाबाश रोजी, हम तुम्हारी कामयाबी की दुआ करेंगे। साथियों अब कान खोलकर मेरा प्लान सुन लो। हम सब लोग अरबों के लिबास में होंगे। स्टेज पर मेरे हर कोड़े की मार पर ज्वाला नाचेगी गाएगी, और रंजीत तुम लाइट इंचार्ज होगे मेरे बारहवें कोड़े पर। याद रखो मेरे बारहवें कोड़े पर तुम मेन स्विच ऑफ कर दो, सारे हाल की रोशनियां गुल हो जाएंगी और उस अंधेरे में सिर्फ एक शोला चमकेगा, मेरी गोली का शोला जो दीवान के सीने में आग भर देगा, और फिर उस अंधेरे में हम सबके लिए भाग निकलना बहुत आसान था। ये लोग नृत्य सभा की तरफ से आए हैं। जैसा कि मैं आपसे पहले अर्ज कर चुका हूं, ये आपको उस प्रोग्राम का सभापति बनाना चाहते हैं। नाचेगा कौन? सरकार ये क्या नाचेगी, इसका तो आंगन ही टेढ़ा है। इसकी छोटी बहन नाचेगी, उसका आंगन सीधा है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि तुम लोग हमें सभापति बनाना क्यों चाहते हो। दीवान साहब आप रियासत के सबसे बड़े आदमी हैं, आपके आशीर्वाद से हमारी सभा का नाम हो जाएगा। नाम भी हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। हाँ। अच्छा प्रोग्राम किस वक्त शुरू होगा? आपके आते ही शुरू हो जाएगा और आपके सामने ही खत्म हो जाएगा। ये तुम्हारी सभा का कोई मसला है? अब दीवान साहब आपने जवाब नहीं दिया। हम जरूर आएंगे। मैं आपका इंतजार करूंगा। आगा यूसुफ। आगा। हुजूर आगा अबू ताहिर आपके सामने रक्स पेश करेंगे। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। शुक्रान।
भारत ज्वाला की जान से बच जाएगी ना? ऐसा कोई खतरा नहीं रंजीत, बस गोली निकाल दे। भारत, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, बिल्कुल दर्द नहीं होगा ज्वाला, तुम डरो नहीं। शाबाश, शाबाश। ज्वाला एक मिनट, एक मिनट जान मेरी। किस बात की? ज्वाला ये तो बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि दीवान मुझे गोली मारने वाला है? मेरी नजर उसके चेहरे पे थी और उसके चेहरे में मुझे शैतान नजर आ रहा था। मुझे महसूस हुआ कि तुम्हारी जान खतरे में है। भारत, क्या अपने देवता को बचाना मेरे धर्म नहीं? ज्वाला, मुझे देवता मत कहो, बस इंसान रहने दो। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आइंदा कभी कोई ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए दीवान साहब, क्षमा कर दीजिए। मैं जिंदगी भर आपका गुलाम बनकर रहूंगा, आप मेरी जिंदगी। भारत भैया, सुना है माँ जी बहुत बीमार हैं, हर वक्त आपको याद करती रहती हैं। जिंदा है सेक्रेटरी? ऐसा तो नहीं कि तुम नींद में बड़बड़ा रहे हो? क्या एक सिपाही ने उसको आईजीपी के घर में जाते देखा? मां, क्या हुआ मां? तुम इस तरह लेटी क्यों? बीमार हो तुम? पिताजी आपने मां को दवा नहीं दी? अरे बेटा, मुझे क्या हुआ है? तो नहीं होता तो बस। पिताजी माफ करना पिताजी, मैं अपने माता पिता को एक साथ देकर भूल ही गया कि मैं एक मुजरिम हूं और आप इंस्पेक्टर जनरल। गिरफ्तार करेंगे आप मुझे? नहीं नहीं बेटा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मां, मैं अपने पिताजी को अच्छी तरह जानता हूं। बेटे, बढ़ती उम्र के साथ मेरी कमर जरूर बूढ़ी हो गई है, लेकिन मेरा फर्ज अभी जवान है। अपने फर्ज की सीढ़ी से ना कभी मैं फिसला हूं और ना फिसलूंगा। ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा बेटा यहां इंस्पेक्टर जनरल के कदमों में अपने आप को गिरफ्तार करवाने नहीं आया, सिर्फ अपनी मां से मिलने आया है। उसे छुआ आपने, जाने दीजिए इसको घर की चार दीवारी के बाहर, और फिर अगर हिम्मत है तो जाइए और कर लीजिए इसे गिरफ्तार। हाँ पिताजी, आपकी शान को यही बात शोभा देती है। भारत, मोहब्बत और सियासत में सब जायज है। याद रखिए, अगर आपने मेरे सामने मेरे बच्चे को हथकड़ियां पहनाई तो मैं इसी वक्त आपके चरण में प्रार्थना। जानकी मां, मुझे तुम दोनों की जरूरत है। भारत, तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। आई जी चंद्रशेखर स्पीकिंग। मिस्टर चंद्रशेखर, मुझे इत्तला मिली है कि आपका बेटा भारत आपके घर में मौजूद है।
मुझे उम्मीद है कि आपने अपना फर्ज अदा कर दिया होगा। हेलो, भारत। हेलो, आपने भारत को गिरफ्तार कर लिया होगा। हाँ दीवान साहब। देखिए वो कहीं भाग ना निकले, मैं अभी अभी फौज के जनरल को भेज रहा हूं। जरूर भेजिए। मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। बेटा, ना जाए दीवान को कैसे पता चल गया कि मैं इस वक्त यहां हूं। मां, तुम पिताजी को रोकना नहीं, इन हथकड़ियों से ज्यादा मुझे इनकी इज्जत प्यारी है। लीजिए। नहीं नहीं भारत, मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता, तुम भाग जाओ यहां से, भाग जाओ। नहीं पिताजी, मैं आपको अपना फर्ज नहीं भूलने दूंगा। उठिए, हिम्मत से काम लीजिए। नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। चलिए जाओ बेटा, चलिए जाओ। माँ, जैसे एक बेटा अपने बाप की इज्जत बढ़ाने के लिए हथकड़ियों का यह हार स्वीकार कर रहा है, उसी तरह एक पत्नी का भी धर्म है कि अपने पति का मान बढ़ाने के लिए उसे उसका कर्तव्य याद दिलाए। माँ, आज तक प्यार से तुमने मेरे गले में हाथ डाले, आज उसी प्यार से मेरे हाथ में हथकड़ियां पहना दो। जिस कर्तव्य को पत्नी भूल गई थी से बेटे ने याद दिला दिया। खुशामदेद। मैं जानता था कि एक दिन जरूर हमारी मुलाकात हो। और मेरी भी यही तमन्ना थी कि हमारी मुलाकात हो। यह जानकर मुझे बेहद खुशी हुई। मुझे यकीन है कि यह हमारी आखिरी मुलाकात होगी। और मुझे यकीन है कि आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जिनके दिल में देशभक्ति का जज्बा कूट कूट के भरा होता है वो किसी भी अंजाम से घबराते नहीं। मैं चाहता हूं कि अंजाम तुम्हारे हक में हो। और मैं चाहता हूं कि अंजाम कौम और देश के हक में हो। जनरल प्रताप, मैं भारत से कुछ अकेले में बातें करना चाहता हूं। भारत, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है और वाकई अगर तुम अपने देश और कौम की भलाई चाहते हो तो इस अहदनामे पर दस्तखत कर दो। उसके बाद बड़ी इज्जत के साथ तुम्हें इस रियासत की सरहद के बाहर पहुंचा दिया जाएगा और तुम कहीं भी चैन से अपनी जिंदगी गुजार सकते हो। माफ कीजिए जनाब, मुझे एक बेवकूफ के बनाए हुए अहदनामे पर दस्तखत करने से इनकार है। भारत, तुम्हें अपने बड़ों से अदब और इज्जत से बात करनी चाहिए। एक पागल कुत्ते की इज्जत करने वाला खुद पागल कहलाता है। सरकार, सब्र से काम लीजिए, गौर कीजिए। अगर आपने अपने हाथों इस बागी को मार डाला
सारी जनता आपको दोषी ठहराएगी। बच्चा बच्चा आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। मेरी मानिए तो इसे फौजी अदालत के हवाले कर दीजिए और अदालत बगावत के जुर्म में इसे फांसी की सजा दे दे। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ठीक, ले जाओ इस पागल कुत्ते को और फौजी अदालत के सपर्द कर दो। जनरल प्रताप, समझ गए ना? जी सरकार। कल सुबह 6 बजे इसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाए। फैसला यही होगा सरकार। शंकर, तुम्हें जेल का रास्ता ठीक से मालूम है ना? अरे भाई, क्या बात कहते हो? मेरे पिताजी वहां 3 साल जेल में रह चुके हैं। मैं सैकड़ों बार वहां आया गया हूँ। ठीक है, तो हमें वक्त नहीं जाया करना चाहिए। 2 बजे से पहले वहां पहुंचकर भारत को बचा लेना चाहिए। लेकिन जब उसे जेल की कोठरी में बंद कर रहे थे तो वो किसी तरह भारत, तुम्हारी फांसी की खबर सुनकर हमारी तो जान निकल गई थी। हम तो जेल तोड़ने जा रहे थे भारत, बताओ तुम कैसे आ गए? फिर बताऊंगा।
राह दिखाने वाली तेरी शोक नजर है, मेरे साथी मेरे हमदम, प्यारा प्यारा ये सफर है। वाद गुलशन गुलशन रंग तेरे रुख सारों का, तेरे ही नाम में गाए बूटा बूटा
विवाद गुलशन गुलशन रंग तेरे रुख सारों का महाराज ये बहस का वक्त नहीं है। मैंने जो शर्तनामा तैयार किया है आप एजेंट के सामने उस पर दस्तखत कर दीजिए। दीवान साहब वक्त नाजुक है, किसी गैर मुल्क से मुआहदा करके हमारी प्रजा के भड़के हुए जज्बात को इस वक्त ब्यासलाए दिखाना बिल्कुल नामनासिब है। महाराज आपका ये अंदेशा बिल्कुल गलत है। मुआहदे पर आपके दस्तखत होते ही उनकी फौजें हमारी मदद को पहुंच जाएंगी, तोपों के दहाने खोल दिए जाएंगे, बगावत का सर कुचल दिया जाएगा। नहीं दीवान साहब हम नहीं, हम ये नहीं चाहते कि हमारी धरती पर किसी विदेशी सेना के पांव पड़े। और उस वादे का क्या होगा जो मैं उनके एजेंट को दे चुका हूं? आपके वादों से हमारा कोई सरोकार नहीं, आप जा सकते हैं। महाराज जाने से पहले ये जख्म भी देख लीजिए। अब मैं आपको इस जख्म की कहानी सुनाता हूं। मैंने एक बूढ़ा शेर पाल रखा है जो आज तक मेरे हर इशारे पर नाचता रहा, लेकिन आज सुबह न जाने उसे क्या हो गया कि उसने मुझ पर एकाएक हमला कर दिया। मैंने अपने अवसान नहीं खोए बल्कि उस बूढ़े शेर को फौरन पिंजरे में बंद कर दिया। दीवान साहब के हुक्म से आपको नजरबंद किया जाता है। महाराजा शंकर सिंह के गैर मौजूदगी से हम बहुत परेशान हो गया है। महाराज बीमार है लेकिन कानूनी तौर पर रियासत की सारी बागडोर मेरे हाथ में दे दी गई है। मेरे दस्तखत महाराज के दस्तखत। इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। जब तक महाराजा हमारे सामने एग्रीमेंट पर दस्तखत नहीं करेगा हमारा गवर्नमेंट कुछ भी मानने को तैयार नहीं होगा। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। इसके लिए मुझे थोड़ी सी मोहलत और चाहिए। ओके ओके, हम आपको 3 महीने का मोहलत देगा। अगर इतना टाइम में भी तुम्हारा महाराजा एग्रीमेंट पर दस्तखत नहीं करेगा हमारे गवर्नमेंट का आपसे दोस्ती खत्म। दी एंड। शाबाश भारत शाबाश। आपकी पिछली गलती नहीं दोहराई जाएगी दोस्तों। मेरा निशाना सिर्फ मेरी आंखों में ही नहीं मेरे दिल और दिमाग में भी है। भारत क्या है, हमारी खबर लाए हो? दीवान कहां है? अरे मुझे बताओ मुझे। डिक्की भरत, दीवान और उसके साथ मिलिट्री और पुलिस के अफसर जो विदेशी एजेंट के साथ मीटिंग करने गए थे आज रात स्पेशल ट्रेन से वापस लौट रहे हैं। ओ दीवान लौट रहा है, उसकी ये हिम्मत मेरा खून खोल रहा है। आज इस गिदड़ के हाथों उस शेर की मौत होगी। आवाज बंद करो डिक्की। बड़े मुश्किल से मेरा खून गर्म होता है और तुम उसे फौरन ठंडा कर रहे हो, क्या है भारत? दामोदरी वादी से होती हुई गाड़ी नीलम पुल से गुजरेगी। ये गाड़ी को उड़ा देने का सुनहरी मौका है। गाड़ी ठीक 11 बजे उस पुल पर से गुजरेगी। क्या सोच रहे हो भारत? रंजीत भारत सोच नहीं रहा है, इस विचार रहा है। ओ समझा, उस गाड़ी से इंस्पेक्टर जनरल भी तो सफर कर रहे हैं ना, और वो भारत के पिता हैं। और बाप के खून से होली खेलना मजाक तो नहीं है भैया? खबरदार जो किसने मेरी इरादों पर शक किया। मैं तो ये सोच रहा था कि मेरे मंसूबे को कामयाब कैसे किया जाए। चंदर आज रात पर उड़ा दिया जाएगा। मुझे इस पर एतराज है। ज्वाला एक जालिम को मारने के लिए इतने बेगुनाहों का खून क्यों? हजारों लाखों मजलूमों की भलाई के लिए कुछ अच्छे लोगों का बलिदान भी दिया जा सकता है। बलिदान पागलपन का नाम तो नहीं? ये पागलपन नहीं ज्वाला, मेरी उस कसम को ललकार है जो मैंने देश के नाम पे खाई थी। तो तुम्हारा इरादा अटल है? हिमालय की तरह। तो क्या तुम अपनी माँ की सूनी मांग देख सकोगे? ज्वाला
जज्बात के छींटों से मेरे इरादों की आग न बुझाओ। तुम्हें आज हमारे साथ आने की कोई जरूरत नहीं। भारत, मेरे कोई जज्बात नहीं, मैं आ सकता हूं? हमें बेवकूफों की जरूरत नहीं। तो फिर आप क्यों जा रहे हैं? शरा आ चंदर। अभी जरा संभाल के। कौन हो तुम? आए हाय, दिखता नहीं कौन हो। माँ जी ने पूजा के फूल मंगवाए थे। अच्छा जाओ। कौन हो तुम? माँ जी, मैं गरीब लड़की हूँ, एक जरूरी खबर देने आई हूँ। जरूरी खबर? इस खबर का संबंध आपके पति से है। वो देखो, डायनामाइट बिल्कुल पुल के नीचे जाकर रखना है। वहाँ मेरा बेटा रेल का पुल उड़ा रहा है। जी हाँ, आप मेरा विश्वास कीजिए, क्या वो नहीं जानता कि दीवान के साथ उसके पिताजी भी उसी गाड़ी में है? जी, भारत को सब मालूम है, लेकिन दीवान का खात्मा करने के लिए वो अपने पिता का बलिदान देने को भी तैयार है। जाना होगा, और कोई रास्ता नहीं। आप चल सकेंगे? क्यों, अपने पति की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे वहां ले चलो। डिक्की, तुम इधर ही ठहरो। अच्छा, चलिए होशियारी से जाना।
भारत। चलो चलो। नहीं माँ जी, आप जाइए, मैं इधर करीबी रहती हूँ, मैं चली जाऊंगी। आप घबराइए नहीं, मैं चली जाऊंगी। ले चलो। सच सच बता, कौन था तुम्हारे साथ? बोल। नहीं बताओगी? मैं पूछता हूं, नहीं बताओगी? तो अच्छी तरह जानती हो ज्वाला, जो भी मेरे असूलों के रास्ते में आता है मुझे माफ नहीं करता। बोल, कौन था तुम्हारे साथ? मैं कहता हूं बोल। ज्वाला, तुम्हारी खामोशी तुम्हें बचा नहीं सकती। ये मत समझना कि तुम्हारा प्यार मेरे दिल को पसीज सकता है। उसूल के लिए किसी का तो क्या, मैं अपना खून भी कर सकता हूं। उठो ज्वाला, उठो, उठो मेरे तो। इधर आओ। ज्वाला, मेरी आंखों में देखो, इन आंसुओं को देखो ज्वाला। ये तुम्हारे लिए हमदर्दी के आंसू नहीं, बल्कि शर्म के आंसू है, जिसकी जिम्मेदार तुम हो ज्वाला, तुम। इससे पहले ये शर्म मेरी आंखों में सूख जाए, बोल ज्वाला, बोल कौन था तेरे साथ? मैं कहता हूं बोल। भारत, नरमी से काम ना लो, इसकी सजा ये है, एक दो तीन दिनों, और अगर ये फिर भी ना बोले तो इसे हमेशा के लिए खामोश कर। एक, दो, भारत, भारत लोग देश की खातिर अपनी दौलत जायदाद जिंदगी तो निछावर कर देते हैं, लेकिन तुमने उसूल के लिए अपनी उस पत्नी की जान की बाजी लगा दी, जो तुम्हें जी जान से चाहती है, जिसकी जिंदगी तुम हो भारत, जिसकी बंदगी तुम। भारत, पिस्तौल तो हमने सिर्फ तुम्हारी आजमाइश के लिए दिया था, हमें माफ कर दो भैया और ज्वाला को भी। भारत, तुम वतन की शान हो। शंकर, रंजीत, क्षमा कर दो भारत। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी ज्वाला, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी।
जानती हूँ इस वक्त तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत की आग भड़क रही है। भारत, मुझे मारो मत, प्यार से पूछो, बता दूंगी। बताओ ज्वाला, बताओ, मैं तुझे माफ कर दूंगा। लेकिन एक विनती है मेरी, ये जानने के बाद कि मेरे साथ कौन था, तुम उसको कोई सजा ना देना। ज्वाला जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तुम्हारी माँ। क्या? मेरी माँ थी तुम्हारे साथ? ज्वाला, मेरी माँ थी तुम्हारे साथ? चंदा, चंदा, अरे शंकर, रंजीत, सुनो, 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 ज्वाला क्या कहती है? ज्वाला कहती है मेरी माँ थी उसके साथ, हाँ मेरी, ओ भगवान। भारत, जिस तरह देश के लिए तुम अपना फर्ज पूरा कर रहे थे, उसी तरह तुम्हारी माँ भी अपने धर्म का पालन कर रही थी। चंदर, चंदर, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया उसने मेरे इरादों पर पानी फेर दिया। भारत, देश की लगन तुम्हारे लहू में है और ये लहू माँ के दूध से बना है। शुक्र है हमारी शिकस्त का कारण कोई खैर ना था। दीवान का खात्मा करने के लिए हमें कई मौके मिलेंगे। आप ये सोचे अब हमें क्या करना है। चंदर, अब के जो वार होगा वो मेरा आखिरी वार होगा। ये धरती जरूर लाल होगी चंदर, या दीवान के खून से या मेरे लहू से। आप लोग जा सकते हैं। मिस्टर चंद्रशेखर, आप अभी तक गए नहीं? जी नहीं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं महाराज के दर्शन करूं। इतनी रात गए? दीवान साहब, महाराज बीमार है, मैं उनका नमकखार हूं, उनकी मिजाज कुर्सी मेरा फर्ज है। सॉरी, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं, लेकिन मुझे अफसोस है कि आप महाराज से नहीं मिल सकते। दीवान साहब, मैं भी रियासत का एक वफादार कर्मचारी हूं, मेरे ओहदे का ख्याल रखते हुए मेरी दरखास्त को इस तरह ठुकरा देना। मिस्टर चंद्रशेखर, वक्त की नजाकत इस बात की इजाजत नहीं देती, आप जा सकते हैं। तो आज से मैं महाराज की बख्शी पदवी का त्याग करता हूं। मिस्टर चंद्रशेखर, आप अपना ओहदा छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ सकता। मतलब? मतलब ये कि आपको गिरफ्तार किया जाता है। कैप्टन, सेक्रेटरी, क्यों मैं जनरल प्रताप? हेलो जनरल, पास सियासी मसलहतों की बिना पर मैंने मिस्टर चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया। हाँ हाँ, इंस्पेक्टर जनरल चंद्रशेखर को। अब आप अपनी फौज को हुक्म दीजिए कि वो रियासत के अमन की हिफाजत करे। सुना तुमने, आईजी गिरफ्तार हो गए। शुशु, धीरे धीरे बोलो जी शुशु।
पहना। वेरी गुड, सब लोग तैयार हैं? हाँ भैया। मैं दीवान को टेलीफोन करता हूँ। हेलो एडीसी, मैं दीवान साहब से बात करना चाहता हूँ। मैं कौन हूँ बाद में बताऊंगा, बाकी भी बात बाकी के बारे जी। हेलो दीवान साहब, गजब हो गया, बागियों ने आपके महल में टाइम बम लगा दिए। क्या कहा? मेरे महल में टाइम बम रखे गए? किसने रखे? बागियों ने? हेलो हेलो, यस मैं जनरल प्रताप बोल रहा हूँ। जनरल प्रताप, अभी अभी खबर मिली है कि बागियों ने मेरे महल में टाइम बम रखे हैं, अब क्या किया जाए? आप अपनी बटालियन भेज रहे हैं? यस सर, मैं अभी ए डिवीजन बटालियन महल में भेज रहा हूँ, वो ढूंढ के सब टाइम बम निकाल देंगे। मैं खुद भी आ रहा हूँ। जीप तैयार है? तैयार है, बिल्कुल फौजी जीप लगती है, बाहर रोजी उसकी हिफाजत कर रही है। वेरी गुड, हम लोग फौजियों के साथ महल में दाखिल हो जाएंगे और बमों की तलाश के बहाने जगह जगह बम रख देंगे। दीवान अपनी मनहूसत के साथ अपने खूबसूरत महल में हमेशा हमेशा के लिए नगर हो जाएगा। चलो अपना अपना दायां हाथ दिखाओ। टाइम बम तलाश करें। क्या बटालियन आ गई? यस सर। अभी तक चार बम ढूंढ निकाले हैं। ए जवान, तुम लोग इस तरफ ढूंढो, मैं जल्दी देखता हूं। दरवाजा क्यों खोल रहे? बागियों ने जगह जगह टाइम बम रख दिए, वो ढूंढ रहा।
और ना क्यों साबित करके दिखाओ। ठहरो, मेरे नजदीक आने की कोशिश मत करो कैप्टन, मैं इस रियासत की राजकुमारी हाँ मैं राजकुमारी चित्रलेखा जो अभी तक जिंदा है। कैप्टन ले चलो मुझे महाराज के पास, कोई कुछ बोलने की कोशिश ना करे, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है, झूठ सच सब सामने आ जाएगा। मिस्टर चंद्रशेखर यहाँ से हटने की कोशिश मत कीजिए, इन पर कड़ी निगरानी रखी जाए। चलिए उन सबको पहचान कर गिरफ्तार कर लिया जाए। आइए कौन हो तुम? रोको नहीं, जाने दो। बेटी, पिताजी, चित्रलेखा तू जिंदा है? चित्रलेखा तू कहाँ थी? कैसे रही तू? मैं सब कुछ बातें बताऊंगी। आपकी नजरबंदी का कारण? नजरबंदी? तू मेरे पास आ गई हो, गले लग जाओ तुम। नजरबंदी बेटी, आखिर राजपाट भी तो एक शतरंज की बाजी होती है। इस बाजी में दीवान साहब ने मुझे मात दे दी। पिताजी दोष आपकी का होगा, जरूर आपने दीवान जैसे रियासत के वफादार सेवक को शके नजर से देखा। चित्रलेखा, चित्रलेखा, ये तुम क्या कह रही हो? चलो 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 चलो। चलो चलो ठहरो। जब आपको पता चलेगा कि किस तरह मुझे धोखे से बागियों ने अपने कैद में रखा, तो आपका ख्याल भी मेरे बारे में बदल जाएगा। दीवान जी, हवाई जहाज की दुर्घटना में जब मैं और भारत मेरा मतलब है वो दुर्घटना सिर्फ मुझे पकड़ने के लिए हुई, मुझे पिस्तौल दिखाकर भारत ने मुझे अपने कैद में कर लिया। भारत इस कदर नीच हो सकता है? ये तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। राजकुमारी जी, क्या आप बता सकती हैं कि उस दिन स्टेज पर नाच कौन रहा था? मैं ही थी। तो फिर आपने अपने आप को छुपाकर क्यों रखा? उसी दिन क्यों नहीं बता दिया कि आप राजकुमारी हैं? दीवान जी, आपने भारत के हाथ में पिस्तौल नहीं देखा था? उस पिस्तौल का निशाना सिर्फ आपके लिए ही नहीं था, मेरे लिए भी था। चलो 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 ठहरो, पीछा। राजकुमारी को हमारे महल में लाया जाए, ऐसे नहीं हार सिंगार करके, बदन खुशबू में नहाया हुआ हो, बालों में फूल महक रहे हो। महाराज, हर आदमी की अपनी अपनी ख्वाहिश होती है, अगर हमारी ख्वाहिश पूरी हो गई तो हम आपको आजाद कर देंगे, उस वक्त तक के लिए माफ कीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस कैप्टन। काबिले रहम बागियों, यही है वो हथियारे, इन्हें फौरन गोली से उड़ा देना चाहिए। इन सब के मर जाने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि भारत कौन है, और फिर हम भारत को ऐसी अनसुनी अनदेखी मौत बख्शेंगे।
जिसकी गवाही इस रियासत की तारीख देगी कि हमारे खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले गद्दार को कैसी सजा मिली। कप्तान आगे बढ़ो और इन सब का दायां बाजू देखो, जिसके हाथ पर जख्म का निशान है वही भारत है। सरकार, यह है भारत। बदतमीजो। सरकार, मेरे हाथ में भी जख्म है, मैं भी भारत हूं। मैं भी भारत हूं। मुझे नहीं मालूम। भारत कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आए? मुझे नहीं मालूम। मिस्टर चंद्रशेखर, क्या आप बता सकते हैं कि आपका लड़का कौन सा है? दीवान साहब, मैं नहीं जानता। ले आओ उस औरत को यहां। श्रीमती चंद्रशेखर, आप जानती हैं कि आपको यहां क्यों बुलाया गया? जी नहीं। ताकि आपकी ममता भरी निगाहें अपने बेटे को पहचान सके। क्या आप ये बता सकती हैं कि इन जवानों में आपका बेटा भारत कौन है? भारत? इस धरती का हर लाल भारत है दीवान जी, ये सभी भारत है। श्रीमती जी, हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश न कीजिए। कोशिश करने की क्या जरूरत है दीवान जी? खामोश, ये हमारा हुक्म है। बताओ, तुम्हारा बेटा कौन है? मैं कह चुकी, ये सभी मेरे बेटे हैं। हम नहीं जानते थे कि बेटे के साथ साथ माँ भी गद्दार हो चुकी है। सावन के अंधे को चारों तरफ हरा ही नजर आता है दीवान जी। खामोश। श्रीमती चंद्रशेखर, आपने महाभारत तो पढ़ी होगी। जी। तो फिर ये भी याद होगा कि किस तरह भरे दरबार में द्रौपदी को नगन किया गया था। लेकिन शायद तुम ये भूल गए कि दुर्योधन के होते हुए भी कृष्ण जी ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। बस हम भी यही चाहते हैं, आज जब तुम्हें नगन किया जाए तो तुम्हारा कृष्ण, तुम्हारा भारत मां कहकर चिल्ला उठे और हम उसके टुकड़े टुकड़े कर दें। दीवान जी, ये मत भूलो, द्रौपदी की लाज बचाने वाला सिर्फ एक कृष्ण था, लेकिन इस मां की लाज बचाने वाले तो कई कृष्ण हैं। अगर हिम्मत है तो आओ, मेरे करीब आओ, इन आंखों में देखो, तुम्हें भी इन आंखों में अपनी मां ही दिखाई देगी। लेकिन तुम में इतनी हिम्मत कहां, इतनी गैरत कहां? जिस कमीने ने धरती माँ को नंगा कर दिया हो, उसकी नजरों में उस माँ की इस बेटी की क्या इज्जत हो सकती है? आगे बढ़ो दीवान, मुझे अपने बच्चों के सामने नंगा होने में तरीक भी लाज नहीं। सालिम सिंह, आगे बढ़ो और इस बुढ़िया के लिबास की धज्जियां उड़ा दो। दीवान रक्षक है, देश द्रोही है, इस पागल कुत्ते के सीने में गोलियों की आग भर दो।
भारत,